ओशन ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। पुलिस ने जिला कांगड़ा के एक ड्रग डीलर की 95 लाख की संपत्ति फ्रीज की है। पुलिस ने डमटाल इलाके के एक ड्रग डीलर को पकड़ने के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया। उक्त ड्रग डीलर ने ये सारी संपत्ति ड्रग्स बेचकर कमाई थी। इस मामले बारे अधिक जानकारी देते हुए डीएसपी नूरपुर आईपीएस अशोक रतन ने बताया कि डमटाल में एक एफआईआर रजिस्टर की गई थी, जिसमें आरोपी लवजीत उम्र 31 वर्ष के घर पर दबिश देने पर 103 ग्राम हेरोइन और 2,19,000 रुपए नकद बरामद किए गए थे। उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद जब उसकी वित्तीय संपत्ति की जांच की गई, तो उसमें 60 लाख रुपए की बैंक ट्रांजैक्शन की गई थी। जांच में पाया गया कि ये सारा पैसा हेरोइन बेचकर कमाया गया था। इसके अतिरिक्त आरोपी ने ड्रग मनी के पैसों से 2 मकान बनाए थे, जिसकी कीमत 75 लाख रुपए के करीब है। 5 बैंक खातों के साथ एक लग्जरी वाहन भी खरीदा था। अशोक रतन ने बताया कि कुल मिलाकर आरोपी की 95 लाख की संपत्ति अटैच की थी, जिसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दिल्ली को भेजा गया था। उन्होंने बताया कि दिल्ली से निर्देश मिलने के बाद अब इन संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ये साबित कर दिया गया है कि ये सारी संपत्ति ड्रग मनी के जरिए अर्जित की गई थी। डमटाल में एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी 177/21, जिसमें इससे 103 ग्राम हीरोइन बरामद हुआ था और 2,19,000 कैश रिकवरी हुई थी जब हमने इनकी हाउस रेड करी थी। तो जब इसमें अक्यूज अरेस्ट करा गया तो हमने सेक्शन 68 के तहत फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो चैप्टर होता है उसके तहत हमने इनकी वित्तीय संपत्ति जाँच करी। वित्तीय संपत्ति जांच करने के दौरान हमें पाया गया कि इसमें जो इनके बैंक अकाउंट्स है उसमें 60 लाख से ऊपर का कैश ट्रांजैक्शंस थे, जो इन्होंने अपनी जो चिट्टे की कमाई थी उसको इन्होंने फाइनेंशियल सेटअप में यूज़ करा और उसको लीगलाइज करा। फिर इसका जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन करा गया तो और भी इनकी प्रॉपर्टीज़ है जो हमारे सामने इनके फैक्ट्स निकल के आए, जैसे कि इनके 2 रेजिडेंशियल हाउसेस थे तो जिसकी जो कीमत थी अराउंड 75 लाख से ज़्यादा थी। फिर इनके 5 बैंक अकाउंट्स, एक इनकी हुंडई वरना की व्हीकल जो लग्जरियस व्हीकल था, और इसमें जो इनकी जो लैंड डीड्स थी, तो टोटल मिला के हम लोगों ने इनकी 95 लाख की प्रॉपर्टी फ्रीज करी थी और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजी थी। ये 9 जुलाई को ये जो जितनी भी प्रॉपर्टी हमने भेजी थी ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दिल्ली ने इसको कंफर्म कर दिया है और ये अभी इनकी प्रॉपर्टी जो सीज हमने करी थी अब वो फ्रीज हो चुकी है बाय द ऑर्डर ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। इसमें 3 इनकी हेयरिंग हुई थी जिसमें हम लोगों ने अपना पक्ष रखा और पुलिस ने अपने पक्ष को बहुत ही मजबूती तरीके से इनके सामने रखा। तो ये जो प्रॉपर्टी थी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अनुसार भी अब इसको माना गया है कि सारी प्रॉपर्टी इन्होंने इलीगल ट्रांजेक्शन ऑफ ड्रग्स बनाई। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।